नमस्कार, मेरा विषय है महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और तथा इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश शासन के दौरान इनके पिता पोरबंदर राजकोट विभाग का नेट के दीवान रहे। महात्मा गांधी जी का असली नाम मोहनदास था और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, जिसके कारण इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। यह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी, जिसका गांधी जी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और इनका अनुसरण अपने पूरे जीवन काल में किया। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात इनके पिता जी का स्थानांतर राजकोट हो गया और जिसके कारण गांधी जी ने उनके अग्रिम शिक्षा राजकोट से प्राप्त की। गांधी जी ने वर्ष 1889 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक्स की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर में सामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया, परंतु घर से दूर रहने के कारण वे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट आए। गांधी जी 4 सितंबर सन 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। यहां आने के बाद इन्होंने पढ़ाई को गंभीरता से लिया और मन लगाकर अध्ययन करने लगे। इंग्लैंड में गांधी जी का शुरुआती जीवन समस्याओं से भरा हुआ था। उन्हें अपने खान पान और पहनावे के कारण कई बार शर्मिंदा होना पड़ा, किंतु उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपनी माँ को दिए हुए वचन का पालन करना नहीं छोड़ा। गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इनके कार्यकार सदस्य बन गए। यहाँ इनकी मुलाकात थियोसिफिकल सोसाइटी के कुछ लोगों से हुई, जिन्होंने गांधी जी को भगवद गीता पढ़ने को दी। गांधी जी ने लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ 3 वर्षों तक रहकर अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और 1891 में भारत वापस लौट आए। गांधी जी का विवाह सन 1885 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा माखन जी से हुआ था। गांधी जी ने उनका नाम छोटा करके कस्तूरबा रख दिया और बाद में लोग उन्हें प्यार से बाप कहने लगे। कस्तूरबा गांधी की जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। कस्तूरबा गांधी शादी से पहले तक अनपढ़ थी। विवाह के उपरांत गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। कस्तूरबा गांधी एक आदर्श पत्नी थी, जिन्होंने गांधी जी के प्रत्येक कार्य में उनका साथ दिया। वर्ष 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, परंतु कुछ समय पश्चात उनका निधन हो गया और इसी वर्ष गांधी जी के पिता का भी निधन हो गया। गांधी जी की अफ्रीका यात्रा। दक्षिण अफ्रीका स्थित एक कंपनी ने उन्हें कानूनी सलाहकार के पद हेतु प्रस्ताव दिया। गांधी जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर अफ्रीका चले गए। वहां पर वह 20 वर्षों तक रहे। अफ्रीका में रहकर गांधी जी को रंग भेद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब एक बार उन्होंने ट्रेन के स्पेशल कंपार्टमेंट में बैठने पर नीचे उतार दिया गया था इस प्रकार अन्याय और रंग भेद में गांधी जी को हिलाकर रख दिया और उन्होंने उसी क्षण उस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प लिया। उसके पश्चात गांधी जी ने अफ्रीका में होने वाले रंग भेद का विरोध करना आरंभ कर दिया। विरोध करने पर उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु वह पीछे नहीं हटे, बल्कि अफ्रीका में रहने वाले भारतवासियों को सम्मान दिलवाने के लिए और सक्रिय हो गए। वहां पर लोगों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध अवज्ञा आंदोलन भी चलाए, जो कि फिर काफी सफल हुआ। गांधी जी वर्ष 1915 में 46 वर्ष की आयु में भारत वापस लौट आए और भारत की स्थिति को जानने हेतु अध्ययन किया। गांधी जी के राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने एक वर्ष बिना किसी
आंदोलन के व्यतीत किया। उन्होंने इस समय में भारत की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत का भ्रमण किया। वर्ष 1916 में गांधी जी ने पहली बार हिंदू विश्वविद्यालय में के मंच पर भाषण दिया। इस भाषण की चर्चा पूरे भारत में हुई। गांधी जी के द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दंडी यात्रा व नमक आंदोलन, महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी की मृत्यु 23 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नथुराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की को 3 गोलियां मारी गई थी। अंतिम समय उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।